हेलो फ्रेंड्स, आज से हम डेटा इंटरप्रिटेशन की एक नई वीडियो सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में, इस सीरीज़ के अंदर हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट करेंगे और ये क्वेश्चंस सारे के सारे मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से आए हैं और ये IBPS के बैंकिंग के क्वेश्चन पेपर में से आए हैं। तो मैंने ऑलरेडी डेटा इंटरप्रिटेशन का UGC नेट की सीरीज़ लॉन्च की थी, तो आप उसको हमारी वीडियो BSI Academy पर चेक कर सकते हैं। तो आज से हम डेटा इंटरप्रिटेशन का जो बैंकिंग के क्वेश्चन पेपर में आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो उससे पहले थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। माई नेम इज़ संदीप एंड आई एम डिड माई MTech फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड आफ्टर दैट मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर 2 ईयर्स। उसके बाद मैंने SSC CGL IPS और अदर गवर्नमेंट एग्जाम बहुत को क्रैक किया है और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन अ कॉलेज। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि देखिए, हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कैंडिडेट्स का जो आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ते हैं 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। ये इंस्टीट्यूशन है A, B, C, D and E और ये फॉर्म हमें पाई चार्ट के फॉर्म में दिया गया है। तो हम इसका जरा डेटा को एनालिस करें पहले। तो देखिए, डेटा हमें दिया गया है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो एक तरफ हमें वो स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स पढ़ते हैं और एक तरफ वो स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स पढ़ते हैं। आर्ट्स पढ़ने वाली संख्या टोटल 5000 है और कॉमर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 6000 है। आप देख सकते हैं एक एक करके कि ए के अंदर 10%, बी के अंदर 15%, सी 30%, डी 25% और ई 20% है। और उसी तरह से और दूसरे इंस्टीट्यूशन जो कि ABCDE है, जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनकी वैल्यू भी दे रखी है। जैसे ए की 25%, बी की 5%, सी की 15%, डी की 35% और ई की 20%। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर दो पाई चार्ट गिवन है, यानी आपको जो अब जो लेवल है बैंकिंग का, जो डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट जो है वो बहुत टफ आता है, क्योंकि इसमें मोर देन 2 ग्राफ भी आने लग गए हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत बारीकी से ज़रा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होते तो सिंपल है बट ये बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं। तो इसी वजह से हम हार्डली किसी पेपर के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस क्वेश्चन को हम जरा करते हैं और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कैसे इसको अप्रोच किया जाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए, इसमें हमें दिया गया है कि डेटा हम पहले एनालिसिस कर चुके हैं, तो हमें इसमें निकालना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट एंड कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट डी एंड ई ऑल टुगेदर। यानी डी और ई का कितने स्टूडेंट्स हमारे आर्ट्स एंड कॉमर्स में पढ़ते हैं। तो देखिए, डी और ई, आप चाहे तो इकट्ठा एक दोनों को, डी और ई को इकट्ठा एक साथ निकाल सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अलग निकाल लेता हूँ और एक में मैं इकट्ठा एक साथ निकालूंगा। तो देखिए, डी में हमारे 25 स्टूडेंट्स हैं जो कि आर्ट्स के हमारे हैं 5000 स्टूडेंट्स। तो 25% 5000 कैसे निकालना पड़ेगा। तो देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। 5000 को अगर आप इसका 10% निकालोगे तो ये हमारा होगा 500। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। तो आपको 25% निकालना है, तो 25% को आप क्या करिए, ब्रेक कर लीजिए। तो 25% को आप ब्रेक करेंगे तो 20+5 में ब्रेक कर सकते हैं, तो आप आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी 10% निकाल चुके हैं, जो कि 10% इक्वल था हमारे 500 के, तो 20% हमारा इक्वल हो जाएगा 1000 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 5% निकालना है, तो 5% निकालने के लिए 10% को 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 250। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000+250=1250। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो डी में पढ़ते हैं, जो आर्ट पढ़ते हैं। उसी तरह से ई का निकाल सकते हैं, ई का आपको निकालना है 20% 5000 का। 5000 का ई जब निकालेंगे आप, 5000 का 20% निकालेंगे तो आपका आएगा 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया 1250+1000। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2250। 2250 स्टूडेंट्स वो हैं जो आर्ट्स पढ़ते हैं डी और ई में ऑल टुगेदर। ठीक है, उसी तरह से हम 6000 का 35% और 6000 का 20% निकाल सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें भी इंडिविजुअल निकाल देता हूँ, आपको उससे आसानी रहेगी। तो जब 60000 का 35% निकालेंगे तो 35 को ब्रेक कर लीजिए दो पार्ट्स में, 35 को निकालेंगे तो 30+5। अब देखिए, 6000 का 10% है 600। ठीक है, तो आप 30% को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 600 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा आपका 1800। ठीक है, अब देखिए, 600 इज इक्वल टू 10%, तो 5% क्या होगा, इसका हाफ यानी
300, तो ये कितना हो जाएगा 300, जो कि टोटल हो जाएगा 2100, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका डी आ गया, उसी तरह से ई निकाल लेंगे, ई आपका आ जाएगा 6000 का 20% कितना होगा 10%, 600 है तो 20% इसका ट्वाइस हो जाएगा यानी 1200 हो जाएगा, आप इसमें ऐड कर लीजिए तो इक्वल आ जाएगा 0033 यानी 3300 हमारा डी और ई का आंसर आ गया कॉमर्स वाले का, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों वैल्यू को आप इसको पहली वाली वैल्यू में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 05550, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 5550 इसका आंसर है यानी बी इज द करेक्ट आंसर। आप इसी अप्रोच को करिएगा परसेंट निकालने के लिए, बहुत आपके लिए आसानी होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट दिया हुआ है। अब देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन आर्ट्स इन इंस्टीट्यूट डी टू दैट स्टडिंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट सी। तो डी कहां पर है जो कि आर्ट्स पढ़ते हैं, ये रहा, और इंस्टीट्यूट सी जो कि कॉमर्स पढ़ते हैं उनका, ये रहा। अब इसका रेशो निकालना है तो 5000 का 25% अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था स्टूडेंट्स, हमने निकाला था 1250। अब उसी तरह से 6000 का 15%, 6000 का 15% निकालना है तो 15 को ब्रेक कर लें दो पार्ट्स में, 10 और 5, अब 10% इसका 6000 का 600 आएगा और 5% हमारा 300 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा 900। तो 1250 आप रेशियो निकाल सकते हैं, 1250 अपॉन 900, आप इसे रेशियो कंपेयर करें तो 25/18, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25/18 यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग बोथ कॉमर्स एंड आर्ट इन इंस्टीट्यूट बी, ठीक है, इंस्टीट्यूट बी, ओके, एंड बोथ कॉमर्स एंड आर्ट, ठीक है, और इज बी एंड ई ऑल टुगेदर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स। आपको परसेंटेज निकालनी है तो जरा हम ध्यान से देखें, तो पहले बी और ई, बी और ई देखें तो बी और ई 20% और 15%, ठीक है, ये बी ई का परसेंट है जो आर्ट पढ़ते हैं, और इसमें बी 5% है और इसमें 20% है, तो चाहे तो आप इकट्ठा निकाल लेते हैं क्योंकि निकाल सकते हैं, तो 20 और 15 कितना होता है 35% होता है, तो 5000 का 35% निकालें, तो 5000 का जब 35% आप निकालेंगे तो 5000 का 10% आएगा 500, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको 35 निकालना है तो 35 को ब्रेक कर लीजिए दो पार्ट्स में, 30+5, अब 30 आपने 500 निकाला था तो 10 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 1500 आ जाएगा, यानी ये 30% आ जाएगा, तो 5000 का 5%, तो कितना आ जाएगा 250, तो ये हो जाएगा आपका 1750 जो है आपका, ये आपका 35% आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से कॉमर्स के निकालें तो कॉमर्स में देखिए 5% और 20% यानी 25%, ठीक है स्टूडेंट्स, 25% निकालना है आपको 6000 का, तो 6000 का 10% है 600, ठीक है, अब 600 निकाल लिया 10%, तो 25% निकालना है तो 20% हमारा हो जाएगा 1200 और 5% हो जाएगा 300, तो 1200+300 जो कि बराबर होगा 1500 के। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो 1750+1500 इज इक्वल्स टू 0523 3250 हमारा है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स आ गए। अब हमें इसे कंपेयर करना है परसेंटेज की टर्म में जो टोटल स्टूडेंट्स आर्ट्स पढ़ते हैं, जो कितने टोटल स्टूडेंट्स आर्ट पढ़ते हैं, ये हमारा है 5000, तो इसे कंपेयर करें परसेंटेज निकालें, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपने 3250 को लिखा इधर इस तरह से, डिवाइड किया आपने 5000 से और फिर मल्टीप्लाई किया आपने 100 से, फिर दो टू से टू जीरो कैंसिल, देन 50 का ये कैंसिल हो जाएगा, देन 325/5, तो आप जब इसको निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60, 5 6 5 6 30 देन 25 65,
यानी ये आपका आ जाएगा 65% हमारा आंसर है। अब देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग परसेंटेज से क्वेश्चन को करने का तरीका समझ गए होंगे कि पहले आप किसी भी नंबर का 10% निकाल लें और जो भी आपको फिर कैलकुलेट करना है आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप उसी तरह से टोटल नंबर स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स इन इंस्टीट्यूट ए, आर्ट इंस्टीट्यूट ए 10% है तो 5000 इज व्हाट परसेंट टोटल स्टूडेंट इन कॉमर्स बी। ठीक है, आपको परसेंटेज इसमें भी परसेंटेज निकालना है। अब हम देखें तो ए का, ए की वैल्यू 10%, 5000 का 10% होता है 500। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट बी कॉमर्स का ये कितना है 5%, 6000 का 5% क्या होगा, 6000 का 10% होगा 600 और इसका आधा हो जाएगा यानी 5% हो जाएगा 300। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 500 को कंपेयर करना है 300 से यानी परसेंटेज टर्म में। तो हम क्या करें, 500 को डिवाइड करते हैं 300 से और मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा हमको क्योंकि परसेंटेज निकालने हैं। तो आपने इसको निकाला तो 500 / 3 एक तरह से, ये मैं थोड़ा लॉन्ग बता रहा हूँ, आप चाहें तो 500 300 की वैल्यू को आप दोनों कंपेयर भी कर सकते हैं फ्रैक्शन में, वो तो भी वो सेम ही आंसर आता। तो ये वैल्यू आएगी 500/3 इज समथिंग इज इक्वल्स टू 166.66%। अब देखिए क्लोज जो आंसर है वो यही है ए यानी 167%, तो ये इसका आंसर है। अब देखिए मैंने तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो 500 को ऊपर लिखते न्यूमरेटर में और 300 को डिनोमिनेटर में रखते तो भी वैल्यू आपकी 5/3 आती, और 5/3 जब आप करते तो आपकी वैल्यू आती 1.67। मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, आप जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 167% ही आता जो कि सही होता है। ये आप इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, आपको इस केस में 100 से बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्थ का आंसर हमारा 167%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स इन इंस्टीट्यूट सी टू द कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट ए एंड ई टुगेदर। तो पहले सी का देखें, सी का जो स्टूडेंट आर्ट्स पढ़ रहे हैं 5000 का 30%, तो 5000 का 30% तो 5000 का 10% हमारा हो गया 500, उसको 30% निकालना यानी इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 1500। ठीक, अब ए एंड ई टुगेदर, ए एंड ई का जो टुगेदर यानी ए है 25 और ई है 20%, दोनों को मिलाएंगे तो आपका आएगा 45%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 45% को निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, अब इसको हाफ कर दो 50% कर दो और उसमें से -5% कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा यानी 45% ही आ जाएगा सेम। तो अब क्या करते हैं हम, 6000 का हाफ यानी 3000, ठीक है 3000 में से हमने माइनस किया 5%, तो 5% हमारा 6000 का आएगा कितना 300, बिल्कुल ठीक। तो 300 को उसमें से माइनस किया तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2700। अब ए का आंसर ए में है 1500 डिवाइड बाय 27 क्योंकि आपको रेशियो निकालना है, तो आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5/9। ठीक है, तो इसका सी इसका आंसर है, 5/9 इज द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, एक ही क्वेश्चन था उसके 5 पार्ट्स थे, आपने देखा ये मैंने थोड़ा सिंपल लिया है आपको थोड़ा हैबिचुअल करने के लिए कि आपको कैसे परसेंटेज निकालना है। तो आप इस मेथड से, फास्ट मेथड से परसेंटेज की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आपको बहुत आसान करेगा आपके लिए एग्जाम में और आपको बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो किसी भी नंबर का 10% निकाल के आप जो भी कोई भी वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आगे परसेंटेज का कुछ कैसे सॉल्व करते हैं उसका एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे आप परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखा आपने, हमने इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन, इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, 5 पार्ट्स को क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अगर आपको और भी वीडियो क्रिएट करवाने हैं सो यू कैन मेल मी एट माई ई मेल आई डी sandeep2006@gmail.com। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई आपको कमेंट्स है तो यू कैन मेल मी और यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन यूट्यूब सेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।